story coming from India. एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है. ताज पर स्टे से केंद्र सरकार हिल चुकी है. ताज महल देश की शान है. Now the big story. इस स्टे ने मानो भूत चाल चला दिया है. केंद्र सरकार हिल गई है. The Foreign and Commonwealth Office has advised tourists not to go to Agra until next notice. अब तक के इतिहास में ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी है. ताजमहल पे जो स्टे हो गया है उससे टूरिस्ट इंडस्ट्री को और होटल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है. आम आदमी की इस लड़ाई में अब देश की जनता भी जुड़ रही है. आज जगह जगह तुकाराम के समर्थन में कई रैलियां निकाली गई. कोर्ट ने तुकाराम के हक में फैसला कर दिया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. अब तो एक ही रस्तो बचो है बड़ा भैया, जाखूं मरवा दे. बस मरवाने का बहुत शौक है तुमको. अरे ई ना भूलो कि तुम अब जेल मंत्री हो, रंगबाज नहीं हो. बस इतना याद रखो कि अगर उनको ताजमहल मिल गया ना तो अगले इलेक्शन में हम सबकी जमानत जब्त. अब बैठे बैठे मुंह का ताक रहे हो. अरे जाओ पटाओ तुकाराम को, जाओ. हर रोज जो लोग ताजमहल के साथ फोटो खिंचवाने आते थे, आज वो तुकाराम के साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं. इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि आज की डेट में तुकाराम रियल ओनर ऑफ ताजमहल. ग्लैड टू मीट यू मिस्टर शाहजहां. नो 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 नो, शाहजहां डुप्लीकेट. ही इज द प्योर, द रियल ओनर ऑफ ताजमहल, तुकाराम. प्लीज टू मीट यू मिस्टर तुकाराम. भाई बहुत बहुत बधाई हो तुकाराम, आखिर तुम जीत ही गए. देवा जी कृपा है, घंटा बजा दिया तुमने सरकार का. पुतुराम व्रत तो तोड़ दिया होगा तुमने. हाँ. ये लो आ, 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 बेटा तुम भी लो आ, 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 बाकी सब जो है पब्लिक में बांट दे. ये इसलिए है ताकि तुम्हारी जीत को दुश्मनों की नजर न लगे. धन्यवाद, आप सब लोगों ने हमारे वास्ते बहुत कुछ किया. घंटा तुम्हारे वास्ते, घंटा जो हमारा चुनाव चिन्ह है ना, वो तुम्हारे वास्ते है. तुकाराम आज के बाद जब तक ये जमीन तुमको पूरी तरह से नहीं मिल जाती ना, तब तक हम तुम्हारे साथ हैं. विसर्जन जी आ गए. देखो विसर्जन यादव जी आप आगे क्या कर रहे हैं? पीछे देखो जी, ना तो हम यहाँ इंटरव्यू देवे को आए और ना और लोगों की तरह भीड़ इकट्ठी करवे को आए. तुकाराम हम तो जहाँ जे बेचारे तुकाराम यहाँ की समस्या हल करने आए और यही हमारा धर्म है. नमस्कार भैया, खुदा अपन. अरे वाह 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 भैया, आपने तो कमाल ही कर दो यार. अभी तो आदत हो गया. कैसा है साहब, ये जमीन है ना, जमीन ये किसान का माँ होता है. और ये जमीन, अरे ये तो मेरा परदादी है. ये जमीन का वास्ते मेरा परदादी का आत्मा है ना साहब, बहुत भटकता है. घड़ी घड़ी मेरे सपने में आता है. अच्छा? हाँ सच्ची, मेरे सपने में आके मेरे क्या बोलते है मालूम है? क्या? तू क्या? अरे कब आजाद कराएगा अपना जमीन? आपका देश आजाद हो गया लेकिन हमारा जमीन अभी भी उनका ही कब्जा में है. पहले मुड़ जा कुतरिया. तू क्या? तू क्या? तू किया? तू किया? मैं नहीं किया. तू किया? मैं नहीं किया. मैं क्या बोलेगा उनको? अरे अभी भी आत्मा भटक रहा है उनका. देखो अभी भी देखती है. जो एक बार परदादी को पिंडदान है जाएगा तो फिर सपना में नहीं आएंगे. पूछो कैसे? कैसे? देखो तुम्हें जो जमीन चाहिए हमें बोलो, हम देंगे. हैं? वहाँ पे मकान बनाओ. अरे तुम क्या बनाओगे? हम बनाएंगे आलीशान भव्य महल बनाएंगे. सच्ची साहब? हाउ? मुझे जो जमीन चाहिए वो मिल जाएगी. हाउ? और बाबा का राज है ये रूलिंग पार्टी, समझो बाबा को ही राज है. थाम्बा
एक मिनट आओ, जरा खाजगी में बात करके आता है। होम मिनिस्ट्री का संघ फैसला है गाँव का। हमने सोचा है पर 15 दिन इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे बिल्कुल नहीं। बोल 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 बोल। तो हमको जो जमीन चाहिए वो हम अक्खा टीवी वाले लोग के सामने बोलेगा कल सुबह। हाउ तुकाराम ने सरकार के आगे शर्त रखी बना हुआ था, लगता है अब उसका हक बहुत जल्द ही निकल जाएगा। गांधी जी ने कहा था प्रेम और शांति इन दोनों से बड़ा हथियार और कोई भी नहीं है, और यही बात मंत्री जी ने बखूबी साबित कर दी है। अब लगता है कि ताजमहल की जमीन जरूर बच जाएगी। ये जानने के लिए बेताब है कि तुकाराम कौन सी जमीन मांगकर ताजमहल को आजाद करेगा। ऐसो है जब अखद बर्बाद नहीं करना यार हमें। हाँ बिल्कुल, सीधा मुद्दा पे आके जो जमीन चाहिए वो हमें बताओ, तुम अपने घर जाओ, हम अपने अध्याय समाप्त। अभी कैसा है साहब, हम लोग ने ना कल रात बहुत सोचा हा? पर दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर जब कुछ नहीं सोचा ना तब एक आइडिया सोचा। ये सुंदरी अवगढ़ अरे जे इस उम्र में भूगोल पढ़वाओगे यार, ये का है साहेब, इसमें से हम लोग कोई भी एक अच्छा सा जमीन मांग लेगा। मैं इस नक्शे पे ये छड़ी 3 दफा घुमाएगी, लकड़ी जिधर जिधर रुकेगा उनमें से कौन पर एक जगह हम लोग को दे देना। बस इतने ही, 100 पे। भैया जी जमीन मांगने का ये कौन सा तरीका है, बेवकूफ बना रहे हैं हमें, ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखना आप, छड़ी फिर से वहीं ले जाकर रुकेगी ताज पर। ए, क्या बेवकूफ बना रहे, क्या बेवकूफ बना रहे, हम लोग का टाइम नहीं चलता इसलिए यहाँ पे आए क्या हम लोग? अभी तो मेरे को ताजमहल ताजमहल मांगता। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो यार, बीपी बढ़ जाएगा यार, ये कहाँ बोल रहे हो, सयानू आदमी तुम्हारे सामने। भैया जी ये देखने दो ना कहाँ बोल रहे हो वो। हाँ जी करो शुरू। हाँ ठीक है, चल चालू कर। छड़ी रे छड़ी कैसे बच पे पड़ी, ए छड़ी रे छड़ी छोटे बच पे पड़ी, ए छड़ी रे छड़ी कैसे। ठीक है, ये जगह तुम्हारी भाई फाइनल। ये तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार है, हमको चलेगा कुतुब मीनार। अरे ना 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 भैया जी, कैसी बातें कर रहे हो यार, हमें ना चले गो यार। ये कैसी बातें कर रहे हो यार, आसमान से गिर के हवा में नहीं लटक रहा है यार, दूसरी जगह देखो कोई। अरे आपने बोला था ना विशाल भवन बना के देगा, इधर तो पहले से है ना। अरे ये गलती है गई, बोल रहे यार आगे बढ़ो। ऐसा कैसा चला था कि पुट सके अयोध्या में छड़ी रुकी है। हाँ वो भी बाबरी मस्जिद पे देने का ही क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आज, बार बार उंगली ऐसी जगह पे काय कर रहे हो यार तुम। अयोध्या पे 1948 से प्रॉब्लम चल रहा है, कितनी सरकारें आए कितनी गई, आज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना भाई यार, हम क्या करेंगे। अरे कैसा आदमी है तुम, हमको कल क्या बोला था कि रूलिंग पार्टी है मतलब बाबा का राज है, बोला था कि नहीं। अरे भैया हमने जो जगह दे दी तो रूलिंग पार्टी नहीं बचेगी, बाबा को राज चले जाएगा बाबा को राज। कैसे इधर भी बचते इधर भी बचते, ऐसे चलता है क्या। ये गलती है, बोल देना गलती भैया, दूसरों देखो ना यार, ये लास्ट टाइम। हाउ आज Oh, my God.
ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत उपजाऊ जगह है। अरे लेकिन ये है क्या? ताज के एवज में संसद की मांग पर मंत्री विसर्जन यादव द्वारा फेंकी गई हड्डी अब खुद यूपी सरकार के गले में अटक गई है। कभी ताजमहल, कभी संसद, ये तो सरासरी ब्लैकमेलिंग है। इट्स ऑल डर्टी पॉलिटिक्स। साथ ही इस उलझन उल मांग से केंद्र सरकार की मुश्किल और भी बढ़ गई है। इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। तुकाराम की मांगे पूरी हो न हो, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए। उनकी सरकार को हटा कर वहाँ भी हमारी सरकार लानी है तो इस बात को बढ़ने दो। आग लगाई तुकाराम ने, जलेगी वहां की सरकार, हम तो दिल्ली में बैठकर तापेंगे आग। इसी को कहते हैं राजनीति। मंत्री जी, क्या फैसला हुआ? क्या तुकाराम को पार्लियामेंट दे दिया जाएगा? मजाक है क्या? कोई भी आदमी कुछ भी आकर मांग लेगा, सरकार उसे दे देगी क्या? देखिए, तुकाराम को ना ताज मिलेगा ना पार्लियामेंट। घंटा मिलेगा तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है सरकार तुम्हें पार्लियामेंट दे देगी? जे ताज भी गया और पार्लियामेंट भी। देख लेना, जे विसर्जन यादव करा गया तुम्हारे अरमानों का विसर्जन। जब माइला इधर हर आदमी चोर है, आई? आम आदमी को बस घुमाते रहने का, गोल 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 गोल। अभी बहुत घूम लिया मैं। अभी मेरे साथ वही आदमी बात करने को आना मांगता है जो कम्प्लीट ईमानदार है। न कभी रिश्वत लिया होगा, न रिश्वत दिया होगा, और वो भी 24 घंटा का अंदर। नहीं तो राय भवानी शपथ, देख लेना यार तुकाराम राव साहब मराठी क्या करता है। कुल 24 घंटा। अरे हम ही पूछते हैं भैया, कितने कम समय में कहां से ढूंढ के लाओगे सच्चा और ईमानदार आदमी? अरे भैया, इतने बड़े देश में कोई तो सच्चा और ईमानदार होगा। अरे होगा तो ढूंढो उसको भाई। खबर आई है, 24 घंटे खत्म होते ही तुकाराम बुलडोजर लेकर ताज की तरफ निकल चुका है। सर, वो बैरिकेडिंग तोड़ करके ताज की तरफ जा रहा है। ऑर्डर दीजिए सर। देखो, ये बखत ऑर्डर लेने का नहीं है, एक्शन करने का है। बस मार दो गोली। पक्का मार दूं? अरे मार दो गोली। ठीक है सर। तुकाराम रुक जा, नहीं तो मैं आज गोली मार दूंगा। आज मुझे पता चलो कि मेरी धमकी में कितनो दम है। जी आपकी धमकी में दम ना है, वो देखो कौन है। अरे जी कौन है? आपका उम्र देख के बुलडोजर रोका मैं। अभी बाजू हटो, जाने दो मेरे को। सुनो, मैं तुम्हें रोकने के लिए ही यहां आया हूं। आप रोकेंगे मेरे को? कायकू कायकू, आप है कौन? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है कौन आप? उन लोग को देश का चिंता नहीं है, आपको बहुत चिंता है देश का। मैं इस देश का नागरिक हूं और आजाद हिंद फौज का सिपाही हूं। हमारे कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश से हम हैं और हमसे देश। तुमने बोला था ना कि कोई सच्चा और ईमानदार आदमी ही तुमसे बात कर सकता है, इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। सबूत क्या है? क्या सबूत है कि आप ईमानदार हैं? इतना साल इस देश में रहने के बाद भी कभी रिश्वत लिया है दिया नहीं क्या आपने? रिश्वत? हाँ रिश्वत। रिश्वत लेने देने से मेरा क्या संबंध? मैं तो देश का सच्चा सिपाही हूँ, फिर भी हालात से जूझ रहा हूँ। मेरे जिंदा रहने का सबूत तक नहीं है मेरे पास। सरकारी रिकॉर्ड में तो मैं मर चुका हूँ और तुम मुझसे ईमानदारी का सबूत मांग रहे हो। सुभाष चंद्र जी ने हमें ईमानदारी की शिक्षा दी थी, लेकिन अफसोस उसकी कोई कदर नहीं।